तो दोस्तों स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी छोटी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये क्लाइमैक्स है, थोड़ी सी मतलब स्टोरी एंड ही करनी पड़ी हमें, कुछ मतलब स्टोरी बननी नहीं रही थी। आप सभी को भी पता ही होगा मतलब कुछ ज़्यादा ही खींचे चले जा रहे थे हम स्टोरी को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये स्टोरी का क्लाइमैक्स है, लास्ट पार्ट है, इसको पूरा देखना बिना स्किप किए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे ना इस वीडियो के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हो पिछले एपिसोड्स को, ताकि आपको ये सीरीज़ देखने में मज़ा आए। और ये लास्ट एपिसोड इसलिए है क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आने वाला है और उसमें हम हमारा सीज़न 3 स्टार्ट कर देंगे, जो कि ये सीज़न 2 चल रहा था। तो बस इसी के यही अपडेट्स है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे काले मियाँ यार, तुम्हारा इरेंगल तो बच गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। कभी और हेल्प चाहिए हो तो बता देना, या फिर अपने खास दोस्त है फैरो, इसके साथ आ जाना। जी कॉन्ग भाई, आपका उधार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपको पता नहीं हमें इस इरेंगल ने क्या क्या दिया है। इरेंगल एक इमोशन बन गया हमारे लिए। अरे बस बस मियाँ, अब रुलाओगे क्या तुम मुझे? तुम्हारे लिए इरेंगल है तो मेरे लिए भी मेरा सेनोक सबसे प्यारा मैप है। अरे वैसे कॉन्ग भाई, आपके बनाना शेक का तो उधार रह गया मुझ पर, कहो तो अभी चले मिल्टा के रेस्टोरेंट में। अरे मियाँ अब तो मुझे जाने दो, बस तुम मेरे बनाना शेक मेरे घर पहुँचा देना सेनोक में। अभी मैं चला, बाय बाय, सत श्री अकाल, सलाम, फिर मिलेंगे। अरे हाँ भाई साहब, और आते जाते ना गेड़ी मारते रहे ना, यहाँ भी बहुत केले हैं जंगल में। जरूर आएंगे कभी रंगल के केले चखने यहाँ। चल काले, तू भी ये मत सोचना, इरेंगल बच गया तो तू भी वापस किंग बन जाएगा। अब इरेंगल का किंग तो फैरो ही बनेगा। बेटे इरेंगल का किंग काला था और रहेगा, तेरे को मिलिट्री बेस दिया है ना, उसमें रह मजे ले। अगर ज्यादा हवाली ना तो यहीं पटक के पेल देंगे, समझा? चल निकल अब। तेरा भी गेम बजाना ही पड़ेगा, अब देखूंगा तेरे को भी। रुक तू थोड़े दिन, मेरी पावर्स लाने दे मुझे एक बार वापिस, फिर तेरे ना हाथ ना जुड़वाए ना तो मेरा नाम भी फैरो नहीं। अरे चल चल, बाप को मत चिगा, निकल पहली फुर्सत में, तेरे जैसे बहुत पहले हैं मैंने इरेंगल में। भूल मत, एक बार जब तू मरा था ना तो मैंने ही जिंदा किया था तेरे को, तब तो बड़ा फैरो भाई करता फिरता था तू। अरे टाइम टाइम की बात है, उस टाइम तू पावरफुल था, अब मैं पावरफुल हूँ, तुझमें वो अब बात नहीं रही यार। ठीक है फिर, जल्दी मिलेंगे पावर्स के साथ, फिर देखेंगे कौन कितना पावरफुल होगा। इस काले को तो अब खत्म करना ही होगा मुझे, वो भी दिमाग से काम लेकर। इसकी कोई कमजोर नस पकड़नी होगी जिससे ये कमजोर हो जाए, और उस बाबा जी से मिलना पड़ेगा मुझे। कैसे भी पावर्स चाहिए अब, बहुत जी लिए ये घिसी पिटी जिंदगी बिना पावर्स के, मज़ा ही नहीं आ रहा यार बिना पावर्स के। तो मेरे भाई किंग को भी कुछ अता पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ गायब है वो। चलो काला भाई, अब हम भी चलते हैं, बहुत दिन हो गए घर तक ना गए, हम तो बस आपको ढूंढने में लगे हुए थे इतने दिनों से। अरे गब्बर और टेरर, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तुमने इतनी हेल्प करी, वरना कोई नहीं करता आजकल किसी की मदद। कुछ चाहिए हो ना तो मेरे को बता देना बस तुम। हाँ बस आपको ढूंढने में जो खर्चा लगा है वो यूसी दे देते तो हमारा भी भला हो जाता, 10-20 लाख यूसी ही लगी है बस खबरी को और इधर उधर आने जाने का खर्चा। सिर्फ 10-20 लाख यूसी के लिए तुमने अपनी औकात दिखा दी। मैं मानता हूँ तुम्हारा भाई मराया, पर वो खुद गया था मिशन पर हमारे साथ, उसके हिस्से की भी यूसी तो तुमने को दे दी मैंने। तो हमने भी तो प्रधान भाई को सिर्फ आपको ढूंढने के लिए बुलाया था, यूसी से वापस तो नहीं आ सकते ना, हम उससे दोगुनी यूसी दे देंगे अगर आप हमारे भाई को जिंदा कर दो, बोलो करोगे? छोड़ो तुम, 10-20 लाख यूसी मांग रहे हो ना, तुमको 1 मिलियन यूसी देता हूँ, जाओ। और आज के बाद ना मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, तुम अपने काम से काम रखो, निकलो अब। काला बोस, ये गबर टेरर के साथ आपने बहुत गलत किया, अगर ये ना होते ना तो हम भी आप तक पहुंच ही नहीं पाते। अरे तो पहुँच कर कौन सा क्या उखाड़ लिया तुमने, वो तो मैं भी वापस आ जाता 2-4 दिन बाद। अब तो बस बाबा जी और जोकर से बदला लेना है, फिर हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। काला भाई को गमंड हो गया है, अब इतने सारे यूसी मिल जो गए इनको,
और इरेंगल भी बच गया है अब तो। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही वेट था, मैं इसलिए ही रुका हुआ था, कहीं पिछली बार की तरह लेट ना हो जाओ। अब तुमको दिखाएंगे हमारा अगला बहुत ही खतरनाक वाला मूव, जिसे देखकर उस काले के मुंह से आंखें बाहर आ जाएगी। तुम सबने सोचा होगा हमारा मैचा मर गया, क्योंकि उसकी मुंडी अलग कर दी थी उस कॉन्ग और गोडजिला ने मिलकर, पर ऐसा नहीं है। चलो उसके आगे का सीन दिखाई देता हूं तुम सबको क्या हुआ था। तो ये हुआ था सीन पूरा। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, तो मैंने एक बड़ा रोबोट गोडजिला बनाया और उसके सिर में मैचा को बिठा दिया, जिससे वो उसको कंट्रोल कर सके। मैचा अभी भी जिंदा है और कभी भी आता ही होगा यहाँ पर बस। और देखो वो आ भी गया नाम लेते ही। आजा मेरे प्यारे मैचा, अब हम दोनों को मिलकर उस काले को खत्म करना है। उसने मेरे लॉर्ड और एजेंट को मारा है, उससे भी बदतर मौत दूंगा मैं उसको। उसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। और ये होगा कैसे? ये सब होगा हम दोनों के मिलने से। हमें एक जिस्म और दो जान बनना होगा, जिससे हमारी पावर्स मिल जाएगी और फिर उस काले को पकड़कर पेलेंगे और हमारी यूसी लेंगे सबसे वापस। पूरी 7 की 7 बिलियन यूसी वापस चाहिए मेरे को उन सबसे। एक का हिस्सा तो आ भी गया है अपने पास, अब बाकी के 4 हिस्से भी लेंगे काले को मारकर, नहीं तो ये ऐसे ही बीच में टांग अड़ाता रहेगा। चलो फिर बॉस, कमांड डालो और काम शुरू करते हैं। क्या बात है, अब आया ना मजा। काले मैं आ रहा हूं, बच के रहना, अब की बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो मेरे पास इतने यूसी हो चुके हैं कि मैं GTA 5 में जाकर वहाँ खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं करते, वहाँ हम 2-4 बंदों को काम पर रखेंगे, वो मेरा काम संभाल लेंगे। मैं अपना बस वहाँ पर पैसा लगा दूंगा और आराम करूँगा मेरे यहाँ पबजी में। अरे मेका गॉडज़िला, तू इतने बड़े से इतना छोटा कैसे हो गया, और तू मरा कैसे? नहीं ऐसे कैसे मरेगा जब तक बाबा जी का हाथ सिर पर है इसके। तुमको मारना ही तो नहीं आया, ये तो बस उसके सिर में बैठा बैठा कंट्रोल कर रहा था उसको। अच्छा तो अब मैका की बॉडी में आए हो तुम बाबा जी, कहीं मैं मार ना दूं तुमको। लेकिन डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम अपने में खुश रहो, मैं अपने में खुश हूँ, अपने काम से काम रखो। खुश तो हम तब होंगे ना जब हमें हमारी यूसी मिल जाएंगे सारी की सारी, और तू टांग अड़ाना बंद कर देगा। यूसी तो मैं देने वाला नहीं हूँ, तेरे जो हो सकता है ना कर ले, चल निकल। तेरा यही इलाज तो करने आया हूँ मैं, चल मैचा लग जा काम पर, मिला पावर्स और ले चल उसे। अरे ये क्या हो रहा है, काला भाई और वो छोटा सा तो मैचा गोडजिला है ना। तेरी काला भाई वापस किडनैप्ड, क्या करूं मैं, कहां गए दोनों, यहीं खड़े खड़े बातें कर रहे थे, लगता है मैचा गायब करके ले गया उनको। अब किसकी मदद लूं, कौन हेल्प करेगा मेरी? क्यों बेटे, हो गई ना हवा टाइट। स्वागत है काले। स्वागत है हमारी हवेली में, कैसा लगा सरप्राइज मेरा? कबर भाई मेरी मदद करो, वो मैचा आया था, वो मरा नहीं है अभी तक, उसका छोटा वर्जन था जो काला भाई के सामने बातें कर रहा था, और जब तक मैं वहां तक पहुंचा ना तो उसको गायब करके ले गया वो, प्लीज हेल्प करो मेरी। देखो भाई, हमें दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, हमें तो बाद में धोखा ही मिलता है, और काले ने वैसे भी तुम्हारी मदद करने को मना ही किया था, तो माफ करना, हमें किसी की मदद नहीं करनी, जाओ यहां से। हम तो एक बार ही मदद करके पछता रहे हैं, हमारे भाई को मरवा दिया उस काले ने, उसकी तो मदद ही नहीं करनी चाहिए थी,
चल निकल जा यहां से, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा गन्ना चूस के। फैरो भाई आप तो मदद कर दो, काला भाई को वो मैचा उठा कर ले गया, पता नहीं क्या करेगा वो बुसका। ये तो तूने गुड न्यूज दे दी बे, अब तो उस काले को मरने ही दो साले को, तभी मैं किंग बन पाऊंगा यहाँ का। तू भी चिंता मत कर, तू भी उसके पीछे पड़ा रहता है पूरा दिन, तू मेरा असिस्टेंट बन जाना, टेंशन मत ले इतनी। ये काला भाई के घमंड का नतीजा है, पहले तो सबसे लड़ाई कर ली, अब कोई हेल्प करेगा ही क्यों, मैं भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, सारी यूसी घर पड़ी हैं, मैं भी उसको लेकर 9-11 हो जाता हूं घर से, भाड़ में जाए काला और उसका मैचा, टाटा बाय बाय, हम फद्दू थोड़ी बैठे हैं इधर। तो देखा आपने कैसे काले ने घमंड का कुआं खोदा और उसमें खुद ही गिर गया, और सब काले को छोड़कर भी भाग गए। अब टाइम भी आ चुका है अलविदा कहने का। अरे रुको, ज़्यादा मत सोचो, अलविदा कहने का इस सीजन 2 को, क्योंकि अब सीजन 3 आएगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में, तो वहीं मिलेंगे सीजन 3 में, देखेंगे क्या क्या होगा काले के साथ, या काला बाहर निकल आएगा अपनी चलाकी से। तब तक आपको नए नए एपिसोड्स मिलेंगे गैंगस्टर्स वाले, और भी बहुत सारे नई नई वीडियोस मिलेंगी देखने को, तो जल्दी से जल्दी फिर सेफ रहो और घर पे रहो। सीजन 3 की डेट्स के लिए ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं डालूँगा सब चीज़ें जो भी रहेगी। तो बस यही थे अपडेट्स, तो फिर मिलेंगे सीजन 3 में। बस बस यार, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चीज़ें होती है ना कर देना। और जाते जाते एक बिहाइंड द सीन भी दिखाई देते हैं तुमको, ये वाला सीन है जहाँ पे अभी लास्ट में अपने आउटरो देखा रहा था, तो उसी का ये बिहाइंड द सीन है, मतलब लास्ट वाला पार्ट है जो उसके बाद का सीन है, ये देखो मजे लो। मुझे घर जाना है। नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। I'm rich.